Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel Organizopedia. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लोर्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं. And these wooden flooring are too much in trend these days. और इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी vitrified tiles और ceramic tiles से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं. ये अगर इसमें एक्सेसिव वाटर हम यूज करते हैं तो ये फूल जाता है और ओवर द टाइम इसकी जो शाइन होती है वो भी खत्म होने लगती है अगर इसको हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करें तो. तो आज के मैं इस वीडियो में आपको कुछ 3 इजी स्टेप्स बताऊंगी जो कि मैं वीकली बेसिस पर फॉलो करती हूँ मेरे इस वुडन फ्लोरिंग वाले रूम को हमेशा शाइनी रखने के लिए. तो आइए देखते हैं कि ये 3 स्टेप्स क्या है. तो ये मेरा बेडरूम है जिसमें कि वुडन फ्लोरिंग है. मेरे ड्रेसिंग टेबल, बेड साइड टेबल्स, जो भी छोटा मोटा सामान इस फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था वो सब मैंने यहाँ हटा दिया है. और वीक में एटलीस्ट मैं एक बार हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइल को अच्छे से डीप क्लीन करूँ ताकि ये हमेशा क्लीन रहे और थोड़ा सा शाइनी भी लगने लगे. एंड बिफोर वी शुड स्टार्ट क्लीनिंग द फ्लोर, मेक श्योर जो आपकी बेडशीट है उसको आप पुरानी बेडशीट डाल दें ताकि आपके जो मैट्रेस हैं वो ख़राब ना. उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ब्रूम की हेल्प से मैं स्वीप करना स्टार्ट कर रही हूँ. मेक श्योर करिएगा कि जो कर्टन्स हैं उनको आप या तो रिप्लेस कर दें या हटा दें या फिर उनको ऊपर जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया है उसको अच्छे से नॉट लगाकर ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें ताकि आपको क्लीन करने में थोड़ी सी आसानी रहे और आपके जो कर्टन्स हैं वो नीचे से गंदे भी ना हो. एंड मेक श्योर आप अच्छे से स्वीप करें ताकि जब भी हम फ्लोर को क्लीन करना स्टार्ट करेंगे तो जो फ्लोर है वो बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाएगा और बहुत शाइनी भी लगने लगेगा. यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू निकाली है बेड के नीचे से भी जहाँ सबसे ज़्यादा डस्ट होती है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द स्टेप नंबर 1. सो फॉर दैट वी नीड हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन और आप इस सॉल्यूशन को बहुत इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप से ला सकते हैं. इसके लिए आप देख रहे हो कि एक कप हाइड्रोजन परऑक्साइड पूरा मैंने एक क्लीन बकेट में डाल दिया है. सो नेक्स्ट विल ऐड 3 मग ऑफ वाटर. दिस इज नॉर्मल टैप वाटर और इसमें मैं लास्ट में ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. इसको अच्छे से स्टर करिए. उसके बाद में एक क्लीन मॉप लीजिए और उसकी हेल्प से आप इस पूरे फ्लोर को क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आपका बेडरूम थोड़ा बड़ा है तो आप 2 कप हाइड्रोजन परऑक्साइड में 6 मग वाटर ऐड करके इस फ्लोर को बस एक बार ही क्लीन करिएगा. इफ़ यू हैव स्मॉल बेबीज और पेट्स एट योर होम विच कैन बी एनीवेयर ऑन द फ्लोर तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड उसी वजह से यूज करा है. सो हाइड्रोजन परऑक्साइड विल एक्चुअली ब्रेक अप द एंजाइम्स इन द यूरिन एंड द बेकिंग सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग ऑडर एलिमिनेटर. तो इन दोनों ही चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं हमारे स्टेप नंबर 1 में विच विल एक्चुअली एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर द वुडन फ्लोरिंग. तो अब स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि हम हमारे वुडन फ्लोर्स में शाइनिंग कैसे ला सकते हैं. उसके लिए आप देखते हो कि इस बोर्ड में मैंने 4 कप वाटर डाले हुए हैं. अब मैं इसको माइक्रोवेव करूंगी फॉर लाइक 4 to 5 मिनट्स. आप इसको नॉर्मल गैस के ऊपर भी बॉइल कर सकते हैं इस वाटर को. तो अब हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो गया है. तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक टी बैग लिया है. आप कोई भी फ्लेवर का टी बैग ले सकते हैं. उसके बाद इसको आप इस बाउल में डिप कर दीजिए. ऐसे ही मैंने 4 टी बैग्स इसके अंदर डिप करे हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस बॉयल्ड वाटर में ट्रांसफ़र हो पाए. अब हमें इस वाटर को एटलीस्ट तब तक के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए. उसके बाद एक क्लीन बकेट लेंगे और ये पूरा का पूरा जो हमारा टी वाटर है वो हम इस बकेट में ट्रांसफ़र कर देंगे. अब आप इसको एज अ फ्लोर क्लीनर यूज़ करके आपका जो ये वुडन फ्लोर है उसको क्लीन कर सकते हैं. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटीरियर्स आई वाज टोल्ड दैट टी हैज़ अ टैनिक एसिड व्हिच कैन एक्चुअली ब्रिंग वुड टू अ शाइन एंड सेम थिंग इम्प्लाइज विद अ वुडन फ्लोरिंग ऑल्सो. तो मैं वीक में एटलीस्ट एक बार कोशिश करती हूँ कि मेरा ये जो वुडन फ्लोरिंग वाला रूम है इसको मैं टी को एज अ फ्लोर क्लीनर यूज़ कर इस फ्लोर को क्लीन करूँ ताकि ये हमेशा ही शाइनिंग करता हुआ दिखे. और यहाँ पर आप भी डिफरेंस बहुत ईजिली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है. सो नाउ विल टॉक अबाउट द 3rd एंड द फाइनल स्टेप. और स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके वुडन फ्लोरिंग में किसी भी तरह के स्क्रैचेस पड़ जाते हैं फर्नीचर को इधर उधर करने पर तो आप उन स्क्रैचेस को कैसे फिल कर सकते हैं. मेरे वुडन फ्लोरिंग पर किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं था इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको इस फर्नीचर की हेल्प से बता सकती हूँ कि आप उस चीज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं. अब आपको कलर पैलेट में से वो कलर चूज़ करना पड़ेगा
जो कि आपके वुडन फ्लोरिंग या फर्नीचर के थोड़े बहुत मैचिंग का हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है जो कि मेरे इस फर्नीचर से एग्जैक्ट मैच करता है। अब इस कलर को आप वहाँ पर फिल करना स्टार्ट करिए जहाँ पर आपको स्क्रैच नजर आ रहे हैं, और इसको आप बहुत फ्री हैंड कैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए है। और आप देख रहे हो कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से फिल कर दिया। आपकी फिंगर की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा स्मच करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जहाँ रह गया है वहाँ आप इसको फिल कर पाए। अब आप लेंगे एक ट्रेस पेपर या फिर बटर शीट, उसको आप जहाँ पर आपने अभी कलर लगाया है उसके ऊपर एग्जैक्टली रख दीजिए। आपको हॉट आयरन लेनी है और अभी जहाँ पर जैसे मैं कि प्रेस कर रही हूँ उसको बटर शीट को, वैसे आप इसको आयरन करना स्टार्ट कर दीजिए। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वैक्स थी वो पूरी मेल्ट हो गई है। आप इसी शीट को फोल्ड करिए या फिर दूसरी शीट लेकर के इसको जैसे अभी मैं स्मच कर रही हूँ उसको स्मच कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको इसमें और भी कलर लगाने की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है, इस वजह से मैंने सेम क्रियॉन कलर लिया और यहाँ पर मैं फिर से सेम प्रोसीजर को फॉलो करूँगी। इससे स्क्रैचेस एकदम से तो नहीं गायब होंगे, बट आप एक बहुत ह्यूज डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ही मैच करना स्टार्ट कर दिया। सो आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। और ये तीनों स्टेप्स बहुत इजी हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को वीक में एटलीस्ट एक बार भी फॉलो करते हैं तो आपके जो वुडन फ्लोरिंग है उसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय बाय। और मेरे दूसरे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इन वीडियोस पर भी क्लिक कर सकते हैं।